जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलू लिए हैं, जिसे क्यूब्स में कट करके अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो मैंने पानी डाला है आलू में, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बढ़िया से जितने स्टार्च थे वो सारे वॉश में निकल चुके हैं, और इस तरीके से क्यूब्स में कट करके रखा है। ये दिखने में जितना टेस्टी होता है खाने में उतनी मज़ेदार होता है। तो उसको बनाने का परफेक्ट वे क्या होता है वो मैं आज आपको बता रही हूँ, कि एकदम होटल जैसा पोटैटो 65 कैसे बना सकते हैं। उसको वॉश करने के बाद सबसे पहले हम पानी लेंगे और पानी में अपने वॉश्ड पोटैटोज़ जो हैं क्यूब्स में कट किए हुए वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, ताकि पोटैटोज़ में आलू में अच्छे से नमक चला जाए। और इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। एकदम हमें इसे बॉयल नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लिड हटाई है आफ्टर 1 मिनट। तो ये जो झाग आपको दिख रहा है, इसका जो बचा हुआ स्टार्च था आलू के अंदर वो निकल रहा है। तो इसका स्टार्च अच्छे से निकाल देना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम 1 मिनट बाद और चेक करते हैं, तो ये पहला बॉयल आया है। बस हमें इससे ज़्यादा आलू को पकाना नहीं है, हमें बस इतना करना है कि आलू कच्चे ना रह जाएं, हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। वो अब हम गैस बंद कर देंगे। आलू देखिए पक चुके हैं बट बॉयल्ड नहीं है। मैश अगर मैं करूँ तो एकदम मैश नहीं होंगे, बट ये पक चुके, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे तुरंत पानी से छान लेंगे, गर्म पानी से। अगर छोड़ देंगे तो ओवर कुक होने लगेगा। तो हमने आलू को छान के अलग कर लिया है, ठंडे पानी से धुल के उसे हवा में ठंडे होने को रखा है, और तब तक हम बैटर रेडी कर रहे हैं। इसमें हमने डाला है चावल का आटा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और पानी डाल करके अच्छे से हम इस एक स्मूथ सा स्टिकी एंड स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। तो इसको इसी तरीके से हम फेंटते जाएंगे पानी में, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें एक साथ, वरना आइडिया नहीं हो पाता कि कितना ज़्यादा गीला हो गया। और हमें इसे गीला नहीं करना इस बैटर को, जस्ट ये सॉफ्ट हो जाए, एकदम स्मूथ से लम्प्स बिल्कुल ना रह जाएं। और ये देखिए ये जो कंसिस्टेंसी अभी नज़र आ रही है, इतने में ही हमें ये बैटर रेडी करना है, ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से कोट हो जाए इसमें। तो ये देखिए आलू अभी हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे मैंने फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था। अभी विंटर्स हैं तो फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था ठंडे होने को, नॉर्मल है। अब हम आलू को इसमें डाल देंगे, अच्छे से कोट करना है, ताकि जो हमारा बैटर रेडी है वो सारा इसमें अच्छे से कोट हो जाए। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चावल के आटे से यूज़ कर रही हूँ, ताकि जब मैं आलू को फ्राई करूँ तो एकदम बढ़िया क्रिस्पी सा आलू रेडी हो हमारा। तो अभी ऑयल हमारा हीट हो गया है, ये रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है और चाइनीज़ कढ़ाई में लिया, मतलब लोहे की कढ़ाई में लिया। और अब हम इसमें एक एक करके आलू जितने थे हमारे कोटेड वो डाल दिए हैं, और अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई एकदम बढ़िया से, जब ऑयल आपका हीट हो जाए तो तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है। और ये थोड़ी ही देर में, करीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, और इस चलाते रहें लगातार, ये बढ़िया से क्रिस्पी से एकदम तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा आलू करीबन 1.5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है और बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम ऑयल एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लेंगे, और ये बहुत ही क्रिस्पी है। मैं ऐसे ये आवाज़ आ रही है इस टाइम कर 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 की, तो मतलब ये एकदम बढ़िया से क्रिस्पी से रेडी है। तो आलू हमारे फ्राई हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू 65। सबसे पहले उतने ही ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा ऑयल रखा है, और इसमें मैं लहसुन क्रश किए हुए डाल रही हूँ, पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, लहसुन को एकदम बढ़िया से क्रश कर दिया था वो डाल रही हूँ। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा, जब ये लहसुन लाल हो जाएगा, एक बढ़िया खुशबू आने लगेगी, देन हम इसमें अपना बाकी का इन्ग्रीडियंट जो है वो ऐड कर देंगे। तो अभी प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो एकदम बारीक कटे हुए प्याज ले सकते हैं, ग्रेटेड अनियन ले सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से प्याज डाल दें। और अब हम इसे भी पिंक होने देंगे प्याज को, लहसुन तो हमारा रेडी है, प्याज को भी एकदम पिंक होने देंगे और साथ में चलाते रहेंगे, अदरवाइज लहसुन ज़्यादा कुक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हमारे कुछ मसाले, हल्दी, ओरिगेनो, थोड़ा सा मैगी मसाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे,
नमक हमने आलू में भी डाला था तो थोड़ा बैलेंस करके डाले। तो अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करना है, पका लेना है। और अब आप देख सकते हैं ऑयल इसमें मैंने बहुत ज़रा सा लिया था, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं नज़र आ रहा कढ़ाई में। तो बस अब हमें इसे, हमारा जो अनियन है वो भी रेडी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और पानी डाल करके, ताकि ओवर कुक ना हो जाए प्याज हमारा, इसलिए हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें जो हमारी सॉसेस हैं वो मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम टोमेटो केचप डाल रहे हैं। टोमेटो सॉस आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें डालना है, ज़्यादा नहीं। मैं मैगी ब्रांड का डाल रही हूँ। नेक्स्ट अब हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे। ठंड में यही प्रॉब्लम होती है, सॉस की बॉटल जो है वो सॉस अंदर जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे ज़रा सा, एंड चिली सॉस भी डालेंगे। आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है, बट मैंने केचप डाला है, सोया सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, तो वो बैलेंस हो गया टेस्ट हमारा। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारे प्याज लहसुन ऑलरेडी कुक थे, मसाले ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं, नमक एंड बाकी सॉसेस। तो हमारा जो ये मिक्सचर है ग्रेवी का, एग्जैक्टली हम इसे ग्रेवी नहीं कह सकते बिकॉज ये काफ़ी थिक है। अब हमने इसमें दही डाला है, दही डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए एक बॉयल आ रहा है और ये बढ़िया से कुक हो गया है, इसकी अरोमा जो है बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हमारा परफेक्टली रेडी है। थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक कटे हुए डाल देंगे, काली मिर्च को क्रश करके डाल देंगे, इस तरीके से बॉटल आती है, अगर नहीं है तो आप काली मिर्च के दाने लें और उसको जो कूटने वाला आता है खलबट्टा उसमें अच्छे से क्रश कर लें। थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। नेक्स्ट अभी हमारा रेडी है परफेक्टली, जो हमारा फ्राइड पोटैटो था, यानी फ्राइड डीप फ्राइड आलू थे, वो हम इसमें डालेंगे। बट आलू डालने से पहले गैस को ऑफ कर देना है, ताकि जब आप इस मिक्सचर में आलू को डालें तो मिक्स करके तुरंत सर्व कर दें, और तब आलू जो है आपके वो क्रिस्पी रहेंगे मसालों के साथ। अगर आप छोड़ देते हैं इसे या कुक करते टाइम या आलू को ऐड कर देते हैं, तो क्रिस्पनेस जो होती है आलू की वो थोड़ी चली जाती है, वो आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उतना मज़ा नहीं आता है। जब आपका मसाला रेडी हो जाए फ्लेम को ऑफ करें और तुरंत परोसना हो गर्मा गर्म आलू डालें, मिक्स करें और मसालेदार क्रिस्पी आलू जो आपका आलू 65 पे वो सर्व करें गर्मा गर्म सॉस के साथ या जिसके भी साथ आपको पसंद हो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी, एंड जितना हो सके ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़।